पूरे जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, आप लोगों ने जो है कैंडिडेट सिलेक्शन में बड़ा। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहां पे बहुत समय बिताया है, मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। सर बीजेपी लेकिन कह रही है कि हम लोग 130 135 सीट जीत के आ रहे हैं, क्लियर मेजोरिटी से आ रहे हैं, और जो है राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा। देखिए कल उनको अपनी ये सारे शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, तो एक और दिन रुकते हैं और फिर देखते हैं कि कल क्या सच्चाई निकलती है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, विजय रिजॉर्ट बुक करा लिया वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं। देखिए भाजपा से हम विभिन्न प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं, अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है अपनी जीत पर, तो इस प्रकार की बेबुनियाद बातें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके जो विधानसभा के नेता हैं राठौर जी, उनको क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को? तो ये पहले से ही एक बहाना बना रहे हैं, उनमें जो उनके चेहरों पे किसी प्रकार की आत्मविश्वास नहीं झलकती। जबकि आपने देखा कि आदरणीय गहलोत साहब जी हों, आदरणीय डोटासरा जी हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, पहले दिन से बोल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। तेलंगाना के नंबर से खुश हैं आप, हालांकि मध्य प्रदेश में कई एग्जिट पोल कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं, तेलंगाना में आप लोगों को एक कमबैक मिला? मैं ओवरऑल मुझे लगता है कि इन पांचों विधानसभा निर्वाचन से विरोधी शक्ति को बहुत ताकत मिला है, इंडिया अलायंस को बहुत ताकत मिला है, और कल एक बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी इंडिया अलायंस के लिए 2024 के निर्वाचन के लिए, और कल के विधानसभा निर्वाचन के रिजल्ट्स के बाद, नतीजों के बाद एक मोमेंटम मिलेगा, एक बहुत जरूरत बहुत महत्वपूर्ण मोमेंटम मिलेगा, एक गति मिलेगी, और उसको आगे लेते हुए इंडिया अलायंस को और हमको काम करना है, आगे का रास्ता तैयार करना है। धन्यवाद। और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।